जो कानून 3 नए आ रहे हैं कल से, वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं। कॉलोनियल इरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है BNSS में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो जिस संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। निर्णय शीघ्र नहीं आया तो एक बात इन्होंने कही है कि 30 दिन में निर्णय आना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो कानून 3 नए आ रहे हैं कल से, वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ ये पूरे कॉलोनियल इरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसमें ज़्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई हैं, लो रेट्स हैं, बहुत डिलेड सिस्टम है, और एक तरफ से कॉलोनियल जो इम्प्रेशन है वो रहा है। एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ कंट्री है, वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी हम बीच में लेकर आए हैं। जहाँ तक एविडेंस का सवाल है, जहाँ तक किस प्रकार से ट्रायल्स रन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आज की तारीख में पूरी एडमिसिबिलिटी और डेफिनेशन इंक्लूड होके, क्योंकि ज़माना फर्क हो गया है। आज का युग एक इलेक्ट्रॉनिक ज़माने का युग है, जिसमें सबसे बेस्ट जो एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ना कि ओरल एविडेंस जिस पर हमारा सिस्टम बहुत निर्भर था। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम आगे एडमिसिबिलिटी पे लिया है। दूसरा, जहां तक ऑफेंसेज है उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने समय में होगी, उसकी क्या रिपोर्टिंग होगी, विक्टिम को हर चीज बताई जाएगी, उसकी हर समय सीमित हो गई है, किस समय में रिपोर्ट आगे आएगी, किस समय कोर्ट में फाइल होगी, कितने समय में चार्ज फ्रेम होगा, कब वो जजमेंट पास होगी, उससे जो सारा सिस्टम है वो इम्प्रूव करके स्पीडी जस्टिस की तरफ हम लोग अब आगे जा रहे हैं। फाइनली, एक जो और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इकोनॉमिक की, जो मैंने आपसे की थी, जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को बीच में लाने का एक मेजर युग है। बिकॉज आज की तारीख में हम देख चुके हैं, पिछली रिजीम्स में जो सरकार में चले वो सारे स्कैम्स फिनेंशियल स्कैम्स थे। फिनेंशियल स्कैम को इंक्लूड करना, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को इंक्लूड करना, अपने आप में बिजनेस के लिए, हमारे देश के लिए और इवन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हमने आगे लिया है। विक्टिम को आगे लाना, ये एक और बड़ा चीज़ है जो हमारे कानून ने किया है कि विक्टिम को सबसे सारी जानकारी हो, विक्टिम एक भागीदारी हो प्रोसेस में, ना कि एक स्ट्रेंजर हो। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अक्यूज का तो सारे राइट्स थे, विक्टिम का कोई राइट नहीं था। ई फाइलिंग ऑफ FIR, वो जो हमने शुरू कर दी है, अगेन जीरो फाइलिंग, ये सारी प्रोसेसेस हमने जो आज शुरू कर दी है नए कानून में। इस पर पूरी चर्चा हुई, पूरी कमेटी बैठकर ये सारी चीज़ों को एग्जामिन किया और इन चीज़ों को हम आगे लेकर आए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। बहुत कुछ पॉजिटिव है मैं अगर कहूँ आपको तो। पहले ये कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो थोड़ा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करी है सरकार ने कि ट्रायल जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। हर चीज़ की टाइमलाइन एक उन्होंने फिक्स करी है प्रोसीजर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो वीडियो का जो इंक्लूजन है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रोसीजर है उसमें BNSS में, वो बहुत हेल्प करेगा ट्रायल्स में। तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और टाइम फ्रेम हर चीज़ का, यानी कि कमिटल का टाइम फ्रेम कर दिया 90 डेज़, चार्जेस का टाइम फ्रेम कर दिया है, चार्जेस के बाद ट्रायल कब शुरू होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया है, और जो बीच में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेडाइट हो गया है। उसके बाद जब जजमेंट होगा उसका टाइम फ्रेम कर दिया। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ ऐसे ट्रायल्स हैं जो कभी शुरू ही नहीं हुए, जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड का ट्रायल है 2014 की ECIR, वी आर इन 2024, आज तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। ऐसे केसेस जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस ही गोई जा रही हैं, चले जा रही हैं सालों साल, या ट्रायल हैं जो 20-20 साल, 25-25 साल पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो ट्रायल्स के ऊपर पड़ेगा। अगर आप ट्रायल्स जल्दी करेंगे,
लोगों का एक्विटल कन्विक्शन जल्दी होगा तो फिर जस्टिस भी मिलेगा लोगों को। सो मैं समझता हूँ अगर मैं पूरा प्रोसीजर देखूँ BNSS का तो वो कहीं ना कहीं ट्रायल को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट कर रहा है और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपकी जो सर्विस ऑफ समन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। आप देखिए कितने केसेस हैं जहाँ पे एक्यूज्ड को समन हुआ है लेकिन वो कभी अपेयर ही नहीं हो रहा, सालों साल गुजर जाते हैं। आज हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और फ़ोन पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ है अभी BNSS में। सो जो आपका एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, और जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के वो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेलकम चेंज। जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गया। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं, सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं। हाँ, तो एक नाम तो हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी, सबकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया कि अगर आप एक ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी, समझ गए ना आप। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप हैं और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये आप बड़ा सुविधा हो गई, घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मुलजिम को ज़रूरी नहीं है कि थाने वहाँ जाए, अपने घर बैठे रिपोर्ट लिखा सकता है। तो ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं, इसलिए बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी ये है कि ये कानून नया है तो इसमें वकीलों को भी, जजों को भी, कोर्ट को भी और पुलिस अधिकारियों को जो जांच करते हैं उनको भी इसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस नए कानून में जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं उसकी जो निचोड़ निकलती है उसको इन कानूनों में डाला गया है। प्लस ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए। जहाँ निर्णय में 2-3-4 महीने लग जाते हैं, आपने 15 दिन पहले क्या बात कही थी वो आपको 15 दिन बाद एग्जैक्टली याद नहीं होगी। अगर किसी ने बहस सुनी है 15 दिन या एक महीना पहले और वो जजमेंट तब तक प्रोनाउंस नहीं करे, तो अगर वो 6 महीने या 1 साल के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे तो उनकी याददाश्त, चाहे उनके पास नोट्स भी हों चाहे रिटन सबमिशंस भी हों, वो नहीं होती। और ये हम लोग एज लॉयर्स क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें हम बहुत इस बात पे इतराज़ करते हैं कि निर्णय शीघ्र नहीं आया। तो एक बात इन्होंने कही है कि 30 दिन में निर्णय आना चाहिए।